वॉट डू मीन बाय इक्वेशन तो ये इक्वेशन होता क्या इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विच हैजीम वन वेरिएबल एंड एन इक्वल टू साइन वॉट इज एन इक्वेशन एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट विच हैजीम वन वेरिएबल एंड एन इक्वल टू साइन तो लेट अंडरस्टैंड अभी इसको मैं लिखता हूं एक्स प्लस थ्री इज इट एन इक्वेशन नो इट इज नॉट एन इक्वेशन वाई सर इक्वल टू साइन आपने नहीं लिखा सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसे x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इज दिस एन इक्वेशन यस लेट लेटेस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो इज दिस एन इक्वेशन यस वाई सर इट हैज एन इक्वल टू साइन एंड इट हैज मिनिमम वन वेरिएबल मिनिमम वन मतलब एक से ज्यादा हो सकता है बट एक तो होना ही चाहिए एक्स स्क्वाय प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इज इट एन इक्वेशन यस

तो ये जो टू ऊपर जो ऐसा हवे में लटकते है ना इसके टकले पे इसको बोलते हैं डिग्री तो यहां पर एक्स का डिग्री इज टू अगर मैं आपको देता वैसे बोलो डिग्री क्या रहेगा डिग्री विल बी फाइव डिग्री इज टेन कुछ नहीं है अरे सर अभी तो आपने कुछ लिखा ही नहीं यहां पर कुछ नहीं है मतलब यहां पर डिग्री विल बी वन सो लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री इज वन लीनियर डिग्री शुड बी वन Now, ये जो चार एग्जाम्पल है इसमें जरा देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इसमें डिग्री वन वाला कौन सा कौन सा डिग्री वन है ये yes, सर क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है मतलब इट इज वन इज दिस डिग्री वन यस क्यू यहां पर कुछ नहीं है मतलब इट इज वन इज दिस डिग्री वन नो देस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन वाई सर यहां पर द मैक्म पावर या डिग्री इज टू इज दिस अ लीनियर इक्वेशन नो अगेन क्यू यहां पर मैक्सिमम पावर इज टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स मतलब ये चैप्टर में आपको मिनिमम कितने वेरिएबल रहेंगे दो वेरिएबल अब वेरिए वेरिएबल कैन बी एनीथिंग एक्स वाई हो सकता है ए बी हो सकता है कोई भी अल्फाबेट लोग ले सकते हैं बट देर विल बी कितना वेरिएबल दो वेरिएबल सो इज दिस अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल नो इट इज लीनियर इक्वेशन बट इट इज नॉट टू वेरिएबल वाई नॉट टू वेरिएबल बिकॉज यहां पर सर ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल

एंड सी का वैल्यू बोलो सी विल बी इक्वल टू फाइव यहां पर ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन इट स्टैंडर्ड फॉर्म अभी अगर ए का वैल्यू जीरो होगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं सपोज हम लेते हैं जीरो एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो जीरो इन एक्स विल बी जीरो तो यहां पर मेरे लिए क्या बचा फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इज दिस लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल नो बिकॉज वी आर लेव विथ ओनली वन वेरियेबल इसके लिए ए जीरो नहीं हो सकता है एंड ना ही यह तुम्हारा बी जीरो हो सकता है क्योंकि अगर ए जीरो हो गया या बी जीरो हो गया तो तुम्हारा ए जीरो होने पर पूरा फर्स्ट टर्म चला जाएगा बी जीरो होने पर तुम्हारा पूरा सेकेंड टर्म चला जाएगा तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ये आप याद रखियेगा सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो सो so, अगर आपको ये समझ में आ गया तो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए एग्जांपल्स है तो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स देर आर सेवन एग्जांपल्स आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग है ना वीडियो को पॉज करो एंड थिंक फॉर योर सेल्फ की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं ठीक है लेट लेटेस्ट स्टार्ट लेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर एम प्लस थ्री एन इज इक्वल टू ट्वेल्व इज दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल येस वाई येस बिकॉज सर यहां पर डिग्री इज वन And we have two variables. Let's take the second example. Second, here what is given? Three x raised to two minus seven y is equal to thirteen. Is this linear equation in two variable No. Why it is not linear equation in two variables? Because sir, here degree is two and it is not one. So this is not my linear equation in two variable Let us take the third one. Root two x minus root five. वाई इज इक्वल्स टू सिक्सटीन इज दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल येस क्योंकि यहां पर एक्स के टकले पर कोई नंबर नहीं है वाई के टकले पर कोई नंबर नहीं है कुछ नहीं मतलब इट इज वन तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यही अगर है ना सम ऐसा होता टू एक्स ये एक्स है ना ये रूट के अंदर है मतलब ये छत के अंदर है एक्स तो मेरा आंसर वुड हैुड नॉट हैीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेटेस्ट टेक दन वेरी इंपॉर्टेंट सर तो देखो क्या इधर जीरो एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो है और जो बी है सो दिस इज नॉट माई लीनियर इक्वेशन क्यू बिकॉज सर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो नेक्स्ट वन देखो तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जीरो पॉइंट थ्री एक्स प्लस जीरो वाई माइनस

प्लस फाइव वाई रेस टू माइनस वन इज इक्वल्स टू फोर तो अभी देखो एक्स का पावर इज इट वन नो इट इज माइनस वन तो सिंस एक्स का पावर एंड वाई का पावर इज माइनस वन दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स द लास्ट वन फोर एक्स वाई माइनस फाइव वाई माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो इज दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सर नो अगेन नॉट क्यू क्योंकि यहां पर देखो यहां पर एक्स का वैल्यू वन है y का वैल्यू वन है तो हम जब इसे ऐड करेंगे तो यहां पर द वैल्यू विल बी टू यहां पर द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज टू हेंस इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यूल कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ क्योंकि अभी वैसे भी सब घर पे ही है किसी को कुछ काम नहीं है तो ये वीडियो को ना बार बार देखिए आप जितने बार देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा थैंक यू गॉड ब्लेस यूल